एक कप पोहा से पूरे परिवार के लिए बेहद ही चटपटा कुरकुरा नाश्ता बनाएंगे आज, जो बहुत ही क्रिस्पी होता है और कम समय में बन के तैयार हो जाता है। तो इसके लिए हम एक कप पोहा लेंगे। पोहा को पानी से अच्छे से धो लेंगे और धो करके सारा पानी निकाल देंगे। और ऐसा नहीं है कि इसे 5 से 10 मिनट तक लिए रखना पड़ता है, बस पानी से धोइए और बस हो गया। उसके इसमें रफली चॉप किया हुआ धनिया की पत्ती डाल देंगे और नमक डालेंगे, हल्दी डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। और अभी क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा उबला हुआ आलू को ग्रेट करके डालेंगे। इससे क्या होगा, इसके एक भी गुठले इसमें ना रहेगी और इसे बनाने में, नाश्ता बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होता है। तो इसमें बस वह नमक हल्दी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे और मिला करके 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। सारा चीज़ डाल करके अच्छे से मिला लेंगे। टिक्की बना लेंगे। मिलाने के बाद इसे 10 मिनट के लिए आप देख सकते हैं कि आटा सही तरीके से, ये डो जो है ना सही तरीके से लगा हुआ है, तो हाथ में बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है। अब देखिए जो नाल तेल लगाने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही बहुत ही क्लीन है हाथ और बहुत ही अच्छे से हो जाता है, चिपकता बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरीके से आप डो का ध्यान रखेंगे जैसे मैंने बनाया है, आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए, देखिए मैंने सारे उस तरीके से बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनेगा, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग। तेल को जो गर्म करेंगे, सारे टिक्की बनके तैयार है, तो ज्यादा गर्म करके नहीं रखेंगे। और ये टिक्की देखने में कितनी लाजवाब लग रही है, डीप फ्राई करेंगे। इसे हल्के से तेल को गर्म करेंगे, टिक्की डाला, इसमें हम सारे टिक्की डाल देंगे, मीडियम रखा है। और टिक्की डालने के बाद फ्लेम पर सारे टिक्की को फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को मीडियम रखने से क्या होगा, इसके ये अंदर तक बहुत ही अच्छे से पक जाएगा। तो ऐसे अगर आप ऐसे इस तरीके से कढ़ाई को हिला देते हैं तो इससे क्या होगा कि इसके सारे के ऊपर तेल बहुत ही अच्छे से आ जाता है और ये हल्के फूल भी जाता है। तो जब भी आप डालें तो हल्का सा कढ़ाई को इस तरीके से कर दें तो सारे के ऊपर आ जाएगा और बहुत अच्छे से फूल भी जाता है। तो सारे को मैंने पलट दिया, तो बस जिस समय पलटने के बाद भी फ्लेम को मीडियम में रखेंगे और हम बीच बीच में इसे देखते रहेंगे ताकि जले ना और टूटे भी ना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ये टूटता बिल्कुल नहीं है। मैंने मीडियम फ्लेम पर ही रखा है, बिल्कुल भी नहीं टूटता है। लेकिन आप किस तरीके से डो बनाते हैं परफेक्ट, अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। और ये देखिए इसको थोड़ा सा हमें और अभी इसको लाल करना है, तो हल्का सा कलर इसका और चेंज होगा, तो इसके बाद हम निकालेंगे। अब देखिए वाओ कितना प्यारा कलर आया है, बहुत ही ज्यादा अच्छा ये लग रहा है देखने में। अब ये बिल्कुल निकालने लायक हो गया है, अब ये हो गया है। इसका एक्स्ट्रा तेल जो है सो हम निकाल देंगे इस तरीके से, इस तरीके से मैंने निकाल लिया। देखिए बहुत अच्छा कलर आ गया है, बहुत प्यारा कलर आया है और जितना ये अच्छा देखने में लग रहा है ना, बिल्कुल खाने में यकीन मानिए दोस्तों, आप एक बार बना करके तो देखिए आपको बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगेगा। बाकी का जो मैंने रखा है उसे भी फ्राई कर लेंगे। दूसरा बैच भी मैंने फ्राई कर लिया, हम करेंगे इस समय पे सेम प्रोसेस से हम डालेंगे। तो अब क्या करेंगे, फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे, ऐसे ही पलट के इसे मीडियम फ्लेम पर इसे भी गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये सारे टिक्की फ्राई होके तैयार है, आप चटनी तो चैनल को सब्सक्राइब सारे टिक्की लेंगे। तो ये सारे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। तो सारे टिक्की